दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ जो गुलाब कटिंग है वो ग्रो करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले जो पॉलीथीन है उसके अंदर मिट्टी भर लेता हूं। मैं कुछ जो कटिंग्स है वो पॉली बैग में लगाऊंगा और जो बाकी है वो मैं यहाँ क्यारी के अंदर भी लगा दूंगा। चलिए, इसके अंदर जो मिट्टी है वो भर लेते हैं। ये ध्यान रखिए, पॉली बैग के अंदर जो होल्स है वो होने जरूरी है, क्योंकि पॉली बैग में जो आप बाई करते हैं उसमें होल्स जो है वो हो सकते हैं ना हो, तो आप उनको कर लीजिएगा, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों, इस तरह से मैं जो बाकी पॉलीथीन है वो भर लूंगा। तो और इस तरह से पॉली बैग भरने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए जो मिट्टी है इसके अंदर सोइल के अंदर, वो यहाँ की जो मिट्टी है जमीन की, सामने आपको जो गड्ढा दिख रहा होगा थोड़ा सा, उस गड्ढे के अंदर मैंने नीचे से निकाली, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो मिट्टी है ऊपर की सतह की यूज की थी और ऊपर की सतह की यूज करने से प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उसके अंदर जो वीड्स है वो काफी ग्रो कर गई थी, जिसके कारण जब पॉली बैग के अंदर वीड्स ग्रो हो गई तो वीड्स को निकालते टाइम जो कटिंग्स है वो हिल जाती है, जो कटिंग है वो सूख जाती है। तो इस बार मैंने जो मिट्टी है वो नीचे से निकाली, क्योंकि नीचे वाली मिट्टी के अंदर कोई भी जो वीड्स का जो सीड्स है वो नहीं मिलेगा, तो ये साफ मिट्टी है, इसलिए मैं इस बार ये यूज कर रहा हूं। और मैंने इसके अंदर कोई खाद वगैरह यूज नहीं किया है, सिर्फ जो मिट्टी है वो है। अगर आप पॉली बैग में लगाना चाहते हैं या पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप जो जो सोइल मैंने आपको बताया था सब्जियों के लिए, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं इसको। जो गोबरी खाद है वो आप उसके अंदर यूज ना करें, अगर वो यूज करते हैं तो जो नीम खली है वो आप ऐड कर लें ताकि फंगस की प्रॉब्लम ना आए। हो सके तो आप गोबरी खाद ऐड ना करें, क्योंकि गोबर की खाद में क्या है, अगर कच्ची होगी तो आपकी जो कटिंग है उसमें फंगस लग जाएगा। और दोस्तों, अब बारी आती है कि कटिंग को कैसे लगाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक शार्प कटर होना चाहिए जो बिल्कुल शार्प कट करे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखिए, सपोज कीजिए मेरा पुराना कटर है, इस तरह की कटर से जब हम कट करते हैं तो देखिए, इस तरह के कटर से जब आप कट करेंगे तो जो कटिंग है वो बीच में इस तरह से, यहां से आप गौर से देखेंगे तो यहां से इसका जो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस तरह से बीच में से आपको दिख रहा होगा, ये जो कटिंग है पुराने कटर से टूट गई है या फट गई है, यहां से दब जाती है। ये देखिए, ये इसने इसको इस तरह से कट किया है, तो इस तरह की जब कटिंग होगी इसी तो ये ग्रो नहीं कर पाएगी। अब हम दूसरे कटर से मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारा नया कटर है जो हमें उगाव ने दिया था, देखिए मैं इससे कटिंग करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए बिल्कुल शार्प कटिंग है, ये देखिए आपको कटिंग दिख रही होगी, बिल्कुल शार्प कटिंग है। तो इस तरह की कटिंग आपको करनी है ताकि जो आपका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आए। चलिए, अब इस तरह की कटिंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो कटिंग है उसको लगा देना होगा। तो इस कटिंग को सिंपली बिना कुछ मैं यूज किए जो पॉलीथीन है इसके अंदर लगा दूंगा। मैं इसको जो पॉलीथीन है इसमें हाफ से थोड़ा सा ज्यादा अंदर डाल दूंगा और उसके बाद हाथ से इस तरह से दबा देंगे और जो बाकी मिट्टी है वो और डाल देंगे। ऐसा करने के बाद इनमें वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए, हमने कुछ गुलाब की कटिंग्स लगाई थी जो अब अच्छे से ग्रोथ उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ये देखिए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके जो कटिंग है गुलाब की उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है तो इसमें वो लग गई है, इतनी ग्रोथ पानी की नमी से भी हो जाती है। तो जब तक प्लांट की अच्छे से ब्रांचेस स्टार्ट ना हो तब तक आप प्लांट को ना हिलाएं और एक जगह पे फिक्स रहने दें। मोस्टली ये सभी कटिंग्स जो है वो ग्रो कर गई है, कुछ में से पत्तियां निकल गई है और कुछ में से जो अभी बड्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी इनका कंफर्म नहीं है कि ये अच्छे से लगी है नहीं, तो अभी मैं इनको बिल्कुल यहां से हिलाऊंगा नहीं, इनको यहीं पे ग्रो होने दूंगा और उसके बाद जब ये अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देगी तब हम इसको यहां से निकालेंगे। इस बार मैंने गुलाब की काफी कटिंग्स यहां पे लगाई है, ये देखिए इस रो में पूरी में गुलाब की कटिंग्स मैंने लगा रखी है। और ये हमारी सामने जो अंगूर की बेल थी वो अच्छे से ग्रो कर गई है। कुछ गुलाबी कटिंग मैंने ग्राउंड में भी लगा रखी है,
ओके दोस्तों, तो आप भी जो कटिंग्स है वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसको इतनी जल्दी हिलाइएगा मत। मैं इनको रिपोर्ट करूंगा तो बारिश के सीजन में करूंगा, यानी कि इतनी जल्दी इनको रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो थोड़ी सी आप जल्दबाजी ना दिखाएं और केयरफुली अपनी कटिंग्स को ग्रो होने दें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।